अगली खबर की तरफ अब बढ़ते हैं। जस मोइद तस नवाब, जैसे मोइद खान वैसे ही नवाब। अभी एक मामला थमा भी नहीं था कि दूसरा कन्नौज से एक रेप का मामला नजर आ जाता है, और बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह के मामले में सामने आया था, अब यहां नवाब सिंह यादव का नाम निकलकर सामने आता है कन्नौज रेप मामले में, जिसमें थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। पॉक्सो कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। तो कितनी देर में यह सुनवाई शुरू होगी, क्या कुछ रहेगा, यह देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन मीनाक्षी, हमने देखा कि किस तरह से नवाब सिंह यादव का जब नाम निकलकर सामने आता है तो सपा में जैसे एक हड़कंप समझ जाता है। कोई तो उन्हें अपना नेता बताता है, पुराना कार्यकर्ता बताता है, तो कोई कहता है कि भैया उनका कोई वास्ता ही नहीं है, रब्ता ही नहीं है पार्टी से। और इन सब के बीच वो पेपर भी सामने आया था कि किस तरीके से जुलाई में समाजवादी पार्टी के जो लेटर हेड है उस पे नाम लिखा हुआ था नवाब सिंह यादव का। भले ही पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हो कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो लेटर हेड बहुत कुछ कहने के लिए काफी था। और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉनसून सत्र के दौरान कहा था कि अगर राज्य में कुछ भी होता है तो उसमें समाजवादी पार्टी का नाम इन्वॉल्व होता है, उनके नेता का नाम इन्वॉल्व होता है, और यही देखने को मिल रहा है। पहले हमने मोहित खान को देखा और अब हम देख रहे हैं कि नवाब सिंह यादव। पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने लीपापोती करने की कोशिश की, उनके नेताओं ने कहा कि वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन जैसे मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है और ये पुष्टि हो जाती है कि मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये नेता किस तरीके से दलील दे रहे थे नवाब सिंह यादव के पक्ष में, इस रिपोर्ट में देखिएगा अब, क्योंकि उनके मुंह सिल गए हैं। सपा के नेताओं ने जैसे रेप जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने की होड़ लगा रखी है। एक महापाप को लेकर लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं होता है कि सपा के दूसरे नेता की घिनौनी कुंडली खुल जाती है। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान की घिनौने वारदात पर फूटे लोगों के गुस्से को ही ले लीजिए, अभी उस वारदात में कार्रवाई चल रही है। लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ है कि अब कन्नौज के मिनी सीएम कहे जाने वाले सपा नेता नवाब सिंह यादव के पाप ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को विवादों में जकड़ लिया है। ये वो आइए आइए, क्या ये कौन है आपकी? कपड़ा दो, फोन दो, फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन देना। क्या आज ये साफ हो गया है कि सपा नेता नवाब सिंह यादव ने न सिर्फ नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसने पीड़िता को अपना मुंह बंद रखने के लिए भी दबाव बनाया और उसे धमकी भी दी। घटनास्थल का निरीक्षण फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया है, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण करेंगे, ये विवेचना का पार्ट है। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है, इसमें विवेचना में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएगी। हैरानी की बात यह है कि अभी एक रोज पहले तक आरोपी इस मामले में पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, वो सच्चाई जानते हुए भी धूर्त की तरह सारे आरोपों की जवाबदेही अपने सियासी दुश्मनों पर लगा रहा था। लेकिन हाँ, जैसे ही पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई और पीड़िता ने इसके महापाप की सारी सच्चाई कन्नौज के जिला सत्र न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने उगली, उसकी जुबान पर ताला लग गया। साथ ही कल तक इसके गुनाहों को दलीलों से छिपाने वाले समाजवादी भी हवा हो गए। लेकिन ये तो शुरुआत है, अब पुलिस को पीड़िता की उस बुआ की भी तलाश है जो नवाब सिंह के चेहरे से सच्चाई सामने आने के बाद से ही गायब हो गई है। पुलिस का कहना है कि अब पुलिस उसकी जुबान से भी सच्चाई उगलवा कर रहेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन और न्यायालय के सामने जो बयान है उसको पूर्ण कराया गया और जो स्थिति थोड़ी और क्लियर हुई है, इसमें जो इसकी बुआ है उसका रोल संदिग्ध प्रतीत होता है, उसकी इस समय उनको बयान के लिए बुलाया जाता है, वो आई नहीं और उनकी तलाश की जा रही है, इसमें विधि कानून पूर्ण कर लिया। जवाब तो उन समाजवादी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को भी देना चाहिए जो कल तक नवाब सिंह यादव के घिनौने अपराधों को दलीलों के लिहाफ में छिपाना चाहते थे। वो 15 साल की बच्ची को झूठा और इस हैवान को सच्चा करार दे रहे थे।
कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी। मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जाहिर है अब जबकि सपा के इस नवाब के महापाप की कलई खुल गई है तो इसके पापों का हिसाब होना तो तय है, लेकिन इस मामले में सपा अब भी गोलमोल जवाब दे रही है। जबकि महज एक महीने के अंदर ही मोहित खान के बाद नवाब सिंह यादव ने सपा की किरकिरी करा दी है, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। IDF ने टेरर सेल को ध्वस्त करने की तस्वीरें की जारी, कहा कार्रवाई में किसी जानवर को नहीं पहुंचा नुकसान। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हमले जारी, IDF ने दो रॉकेट लॉन्चर मार गिराए, तस्वीरें आई सामने। गाजा के नुसरत में आतंकी सुरंग का खुलासा हुआ, इजरायली सेना ने बारूद लगाकर सुरंग को किया ध्वस्त, तस्वीरें आई सामने। खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना ने तेज की तैयारियां, सीरिया की तरफ से गोलन हाइट्स में हमले के निपटने के लिए IDF पूरी तरह से तैयार। डोडा में जारी सेना और आतंकियों के मुठभेड़ में एक आतंकी घायल, चार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। डोडा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने M4 राइफल और कई हथियार किए बरामद, एक आतंकी के घायल होने की भी खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने चार पाकिस्तानी आतंकवादियों को घेरा, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी। 15 अगस्त से पहले घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा, डोडा में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, अलर्ट मोड पर भारतीय सेना। कोलकाता में रेप और मर्डर केस में CBI ने तेज की जांच, आरोपी संजय रॉय को लाया गया CBI दफ्तर, मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ जारी। कोलकाता केस में थोड़ी देर में क्राइम सीन के लिए जाएगी CBI, जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम भी रहेगी मौजूद, टेक ओवर के बाद नए सिरे से सबूत जुटा रही है CBI। ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में अस्पताल का स्टाफ परिवार का बयान भी दर्ज करेगी CBI, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स और जांच अधिकारियों से भी करेगी बात। RG के अस्पताल में क्राइम सीन के पास की गई तोड़फोड़, 10 मीटर के दायरे में तोड़फोड़ से उठे सवाल, मौके पर मौजूद पुलिस ने निर्माण कार्य को नहीं रोका। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी वाले सेमिनार हॉल की तस्वीरें आई सामने, वीडियो में बेड पर नजर आया पीड़िता का शव। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोल रहा, बांग्लादेश में मदद की गुहार लगा रहे हैं हिंदू। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू जागरण मंच ने निकाला कैंडल मार्च, हमलों में मारे गए हिंदुओं की आत्मा को दी गई श्रद्धांजलि। लखीमपुर खीरी में एक पुलिसकर्मी ने छात्र को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, SP ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में दिन दहाड़े फायरिंग, दो गुटों के बीच जमकर हुई गोलीबारी, शाह आलम और मोहम्मद हसन के गुर्गों के बीच गोलीबारी की हुई घटना। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद, बीजेपी नेता अजय शाह की सरेआम गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश गोली मारकर हुए फरार। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आपस में भिड़े सरकारी स्कूल के दो शिक्षक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जौनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, एक विधवा महिला के परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला, गर्भवती महिला समेत 8 लोग घायल। रील के लिए घर में गड्ढा खोदकर दफन हो गया शख्स, भाई और मां ने डाली मिट्टी, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। स्विट्जरलैंड में भारी बरसात के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही, जिनेवा झील के तटों पर हुआ भारी नुकसान, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। लीबिया में भारी बारिश से बाढ़, खनन शिविर को किया गया तबाह, बाढ़ के बीच फंसे लोग, पानी में बहता दिखा सामान। स्पेन में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बरपाया कहर, सड़कें बनी दरियां, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, चारों तरफ दिखा पानी का सैलाब। इस वक्त एक बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही,
रही है, ढाका से आ रही है, जहां पर मोहम्मद यूनुस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, पीएम है, कार्यवाहक पीएम है मोहम्मद यूनुस, तो उनके इस घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं, हिंसा का ये जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जब ये तख्ता पलट बांग्लादेश में होता है, उसके बाद किस तरह से वहां पर हिंदू टारगेट किए जाते हैं। कुछ हिंदू छात्र, कुछ जो एक छात्रों का जो एक समूह है, जो डेलीगेशन है, वो बाकायदा मोहम्मद यूनुस से जाकर मिलता भी है, वो अपनी मांगे भी रखते हैं, वो रखते हैं कि किस तरह से उन पर ये अटैक्स किए जा रहे हैं और ये रुकना चाहिए। बाकायदा अगर गृह विभाग के जो सलाहकार हैं उनकी तरफ से माफी भी मांगी गई थी कि वो जो अल्पसंख्यक हैं उनको 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 सुरक्षा देने में वो नाकाम रहे हैं। बाकायदा इससे इसके लिए माफी उन्होंने मांगी, इस्तीफा वो देते हैं। और अभी जो अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो भी कोई बहुत कंट्रोल में स्थिति आती नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है कि अब एहतियातन देखिए मोहम्मद यूनुस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतरिम सरकार जो इस वक्त बांग्लादेश में बनाई गई है उसके प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस की अगर बात की जाए तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह से नजर हालात बने हुए हैं उस पर